टर्मिनल 3 पर है और अभी जस्ट फुकेट जा रहे हैं हम दोनों अपनी सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप है। इसके बाद फिर प्लान करेंगे यूरोप का नेक्स्ट ईयर। वैसे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना चाहिए। फ्लाइट में आ गए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि बस में आए हो। फर्स्ट टाइम ऐसी मेरे को फ्लाइट दिख रही है। आप भी देख लो हमारी कैसी सीट्स है, इस टाइप की सीट्स है, बिल्कुल खराब है। आपको डिसिम बाग फॉर्म मिलेगा जब आप फुकेट में लैंड करोगे, तो ये आपको फिल करके देना है। फाइनली अब आ चुके हैं फुकेट एयरपोर्ट एंड वेदर तो ऐसा ऑसम लग रहा है, बस मन कर रहा है जल्दी बाहर चलो दिल्ली की गर्मी से दूर। ऑसम लग रहा है। जस्ट अभी फुकेट लैंड कर गए और इसके बाद मैंने सारा अपना इमिग्रेशन करा लिया है। एनसी अभी आ रही है, बस इसके बाद हम जाएंगे टैक्सी लेंगे सीधा होटल जाएंगे। और काफ़ी लोग आ रखे हैं इंडिया से, तो मोस्टली कपल्स है। लेट्स सी आगे क्या होता है। फ्रेंड्स फाइनली अब आ गए फुकेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, खड़े हुए उल्टा दिख रहा होगा इसमें, बस अब फाइनली बाहर जा रहे हैं। हमारा जो कैब ड्राइवर है वेट कर रहा है। एग्जिट तो कर गए और जस्ट वेट कर रहे हैं अपनी कैब का, जैसे ही आएगी जाएंगे फिर होटल। यहाँ पे हमारे जो होटल के कोऑर्डिनेटर है वो खड़े हुए थे, उन्होंने हमें बता दिया कि आपको वेट करना है थोड़ा सा, टैक्सी आएगी फिर डायरेक्ट लेके जाएंगे। और बाकी वेदर जो है, वेदर तो यहाँ पे मतलब ठीक ठाक है, गर्म भी नहीं है और बहुत ठंडा भी नहीं है, बट अच्छा है, प्लेजेंट वेदर है। जा रहे हैं एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है इनका। ये डोमेस्टिक है, साइड में लेफ्ट में आप देख रहे होंगे वहाँ पर, ये पूरा साथ ही ये इंडियन रेस्टोरेंट है कोहिनूर, और वहाँ पर छोटी मार्केट है, उसके आगे जाओगे पूरा स्ट्रीट है, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स बार पब सब कुछ है। होटल बहुत अच्छा है, आपको अभी अंदर से भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना है, कुछ खुला नहीं है अभी। एक बड़ी मुश्किल से कैफ़े मिला है छोटा सा, यहाँ पर बनाना शेक, स्ट्रॉबेरी शेक और एक चिकन पाई ले रहे हैं। जस्ट अभी आए, चेक इन किया था, वेटिंग चल रही है रूम में, 11:30 की टाइमिंग दी है। और यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट्स आफ्टर 11 ही खुलते हैं, उसके बाद ही आपको कुछ खाने का ऑप्शन मिल सकता है, बट समाओ हमने ढूंढा है, अच्छा है बैठे हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे तो। होटल तो भाई बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत सारे यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम्स पॉपुलर जो बंदे हैं वो भी रुक रहे हैं फेसबुक पर। वहाँ बाहर है, ये लॉबी है होटल की, ये फ्रंट डेस्क है। सिटिंग एरिया है, वेल ये वाला हमारा रूम है। और होटल की ब्यूटी देखो आप, इसका नाम ग्रैंड मर्क्योर है, फुकेट में है। अच्छा, ये प्राइवेट विला टाइप के नीचे जो इनके रूम्स हैं, अपना पर्सनल पूल है एक्सेस।
ब्यूटीफुल। यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं पूल को। वेल फ्रेंड्स, ये काफी अच्छा पूल है यहाँ पे इस होटल में। ये सारे फॉरनर्स हैं, आप यहाँ पे भी आके एंजॉय कर सकते हो। तो ये पीछे मेरे जो है प्राइवेट एक्सेस है पूल का। ये हमारा एरिया जो होटल है उसका बाहर है, और अभी जस्ट वर्ल्ड रुकेंगे, उसके बाद फिर थोड़ा बाहर जाएंगे घूमने के लिए। बीच बीच देखेंगे, पटोंग बीच है, बांगलोर रोड देखेंगे, फिर थोड़ा एंजॉय करेंगे। अब पटोंग बीच आए हैं, कल रात को आए थे, टाइम तो कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अभी तो ब्यूटीफुल लग रहा है। अब क्लाउड्स देखो, क्लाउड्स भी हो रखे हैं, पूरा एकदम ड्रिजलिंग हो रही है, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for